नमस्कार, एसडीएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के रोशन। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पर याद किए गए बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह, सीएम नीतीश कुमार ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान की सीएम नीतीश से मांग, चीनी सीमा पर शहीद हुए बिहार के जवानों के परिवार के सदस्य को दे सरकारी नौकरी। राजद पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक पर मंत्री नीरज का तंज, कहा भ्रष्टाचार शिष्टाचाराय नमः लगे रहिए। राबड़ी देवी ने राजद संसदीय बोर्ड की ली बैठक, विधान परिषद चुनाव में उम्मीदवार तय करने का अधिकार लालू प्रसाद को दिया। अब खबरें विस्तार से। बिहार विभूति डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह की आज 63वीं जयंती पर राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानमंडल परिसर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। वहीं मौके पर बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी, बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह, मिजोरम के पूर्व राज्यपाल एवं अनुग्रह नारायण सिंह के पोते निखिल कुमार समेत कई गणमान्य लोगों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प चढ़ा उन्हें नमन किया। और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी माल्यार्पण कर रहे हैं। नायब वजीर आला जनाब सुशील कुमार मोदी। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं जमुई सांसद चिराग पासवान ने बिहार सरकार से चीन सीमा पर शहीद हुए बिहार के जवानों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग की है। इस बाबत उन्होंने नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। अपने पत्र में चिराग ने लिखा है, भारतीय जवान देश की रक्षा करने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए शहीद हो जाते हैं। उनकी शहादत के बाद उनके परिवार को कई तरीके की आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो फौजी भाई सरहद पर देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं, उनके परिवार के किसी सदस्य को सरकारी नौकरी दे, ताकि सरहद पर खड़े फौजी को देश की रक्षा करते समय अपने परिवार की या उनके भविष्य की चिंता न सताए और उनका मनोबल ऊंचा रहे। उन्होंने आगे लिखा है, भारत माँ के इन सच्चे सपूतों की शहादत के बाद उनके परिजनों की जिम्मेदारी उठाकर हम सही मायनों में उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर पाएंगे। बिहार विधान परिषद के चुनाव को लेकर आज राजद पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई। राबड़ी देवी के आवास पर हुई इस बैठक में राजद संसदीय बोर्ड के सभी सदस्य शामिल रहे। इधर राजद के इस पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक को लेकर जदयू एमएलसी एवं बिहार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने बड़ा हमला बोला है। नीरज कुमार ने इस बैठक को नाटक करार देते हुए कहा कि राजद का हेडक्वार्टर इन दिनों रांची है, रांची के होटवार जेल से ही सब फैसला लिया जाना है। यह सिर्फ दिखावा है कि पार्टी में सर्वसम्मति से फैसला लिया जाता है। वहीं उन्होंने अपने सोशल मीडिया के ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक का नाटक कर लीजिए, लेकिन अंतिम फैसला तो होटवार वाले कारागार से ही होना है। भ्रष्टाचार के सुप्रीमो और भ्रष्टाचार के राजकुमार का विचार ही लालटेन वाली पार्टी का अंतिम निर्णय होता है। भ्रष्टाचार शिष्टाचार नमः लगे रहिए। बिहार में विधायक कोटे से 9 सीट और स्नातक और शिक्षक क्षेत्र में होने वाली विधान परिषद चुनाव को लेकर उम्मीदवार चयन को लेकर राजद संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। राबड़ी आवास पर आयोजित बैठक सिर्फ खानापूर्ति थी। राज्य और राष्ट्रीय बोर्ड ने एक बार फिर से लालू प्रसाद को उम्मीदवार चयन का अधिकार देकर ड्यूटी खत्म कर ली। विधायक कोटे की 9 सीटों पर चुनाव को लेकर आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन 9 सीटों में इस बार राजद कोटे से 3 सीटें आने वाली है, लिहाजा कैंडिडेट्स को लेकर मंथन शुरू है। बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने आज राज्य संसदीय बोर्ड और केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई थी। प्रदेश संसदीय बोर्ड की बैठक
के अध्यक्ष पूर्व मंत्री अवधेश बिहारी चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। प्रदेश संसदीय बोर्ड ने उम्मीदवार चयन का अधिकार लालू प्रसाद को देने का प्रस्ताव पास किया। इसके बाद इस प्रस्ताव को राबड़ी देवी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय संसदीय बोर्ड में रखा गया। राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड ने इस प्रदेश बोर्ड के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी और लालू प्रसाद को प्रत्याशी घोषित करने पर अपनी मुहर लगा दी। इसकी जानकारी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने दी। बिहार के दो आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी मिली है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार भवन नई दिल्ली के स्थानिक आयुक्त विपिन कुमार को भारत सरकार ने संयुक्त सचिव स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के पद पर नियुक्त किया है। केंद्रीय पद पर नियुक्त किए जाने के फलस्वरूप उन्हें नव पद स्थापन पर योगदान के लिए विरमित किया गया है। वहीं विशेष स्थानिक आयुक्त बिहार भवन पलका साहनी को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक स्थानिक आयुक्त बिहार भवन नई दिल्ली के पद पर पदस्थापित किया गया है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ। लड़खड़ा रहे थे कदम, कर्ज में आ गए थे हम, छा रहे थे गम के बादल, तब भी हारे कहाँ थे हम। फिर सोना गोल्ड ने किया चमत्कार, इस मुर्गी दाने से खूब बढ़ा व्यापार। अब नहीं है मुश्किल, जीना हुआ आसान, बढ़ रही है समृद्धि और बढ़ा मान सम्मान, और बढ़ा मान सम्मान। सोना गोल्ड मुर्गी दाना, जो प्रोटीन कैल्शियम विटामिन एनर्जी से भरपूर, यह स्टीम पद्धति से तैयार किया जाता है। इस मुर्गी दाने को खिलाने से चूजों में तेजी से वृद्धि होती है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता का विकास होता है, साथ ही FCR भी कम होता है। तो आज ही अपनाएं सोना गोल्ड मुर्गी दाना। सोना गोल्ड मुर्गी दाना का है वादा, कम रहे FCR, मीट और अंडे दे ज्यादा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लद्दाख के गलवान में चीनी सैनिकों से हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए। इनमें से 5 जवान बिहार के थे। इसके बाद चीन के प्रति बिहार समेत पूरे देश में गुस्सा है। लोग चीनी कंपनियों द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट का बहिष्कार करने की अपील कर रहे हैं। जन अधिकार पार्टी के नेता और पूर्व सांसद पप्पू यादव गुरुवार को अपने समर्थकों के साथ सड़क पर उतरे और चीनी कंपनियों द्वारा बनाए गए सामानों के बहिष्कार का नारा बुलंद किया। इस दौरान उन्होंने एक चीनी मोबाइल कंपनी के पोस्टर पर कालिख पोत दिया। मोबाइल के विज्ञापन के लिए लगाए गए पोस्टर काफी ऊंचा था। सड़क पर खड़ा होकर पोस्टर पर कालिख पोत पाना संभव न था। हल्के वजन के समर्थक तो सीढ़ी लगाकर पोस्टर तक पहुंच गए और नो चाइनीज प्रोडक्ट लिख दिया, लेकिन पप्पू यादव के लिए मुश्किल था। पप्पू यादव ने इस परेशानी का कुछ अलग हल निकाला। उन्होंने एक JCB मंगाई। वह JCB के फ्रंट लोडर बकेट में 2 सहयोगी के साथ सवार हुए। दोनों सहयोगी हाथ में काला रंग भरी बाल्टी और ब्रश लिए हुए थे। इसके बाद JCB के ड्राइवर ने फ्रंट लोडर को उठाया और पप्पू यादव को पोस्टर के पास पहुंचा दिया। पोस्टर के करीब पहुंचने पर पप्पू ने उस पर कालिख पोता। गलवान घाटी में चीनी जवानों के साथ झड़प में शहीद हवलदार सुनील कुमार का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा,
जैसे ही गांव में पार्थिव शरीर पहुंचा तो हाथ में झंडा लिए सैकड़ों युवक नारा लगाने लगे। युवा नारा लगाते रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक सुनील कुमार का नाम रहेगा। सुनील जिंदाबाद और चीन मुर्दाबाद के खूब नारे लगे। शहीद सुनील की अंतिम यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए। सबकी आंखें नम थी। आसपास के गांव के लोग भी अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे। सुनील के पार्थिव शरीर को देख पत्नी, माँ और परिवार के लोगों के आंसू रुक नहीं रहे थे। उनके पैतृक गांव में कई पार्टी के नेता भी पहुंचे हुए हैं। सुनील कुमार बिहटा के तारानगर के सिकरिया के रहने वाले थे। वर्तमान में उनका परिवार दानापुर में रह रहा है। बड़े भाई अनिल कुमार, जो कि खुद एक आर्मी जवान हैं, उन्होंने बताया कि देश के लिए मेरा भाई शहीद हुआ है, इस बात का हमें गर्व है। कहते ही वो रो पड़ते हैं। कहते हैं कि मैंने उसे अपने बेटे की तरह पाला पोसा, बड़ा किया था। मेरे आंखों के सामने वे हमें छोड़कर चला गया। उन्होंने बताया कि मैंने खुद भाई को पढ़ाया लिखाया। वह 2002 में इंडियन आर्मी का हिस्सा बने। सुनील कुमार अपने पीछे दो बेटा और एक बेटी को छोड़ गए हैं। खबर नालंदा से है। जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां बेखौफ अपराधियों ने जमकर तांडव मचाया है। बेखौफ अपराधियों ने एक चाय दुकानदार को दीन दहाड़े गोली मार दी है। घटना में गंभीर रूप से घायल दुकानदार को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार राजगीर थाना क्षेत्र के लेलिन नगर गांव के समीप अपराधियों ने आनंद यादव नामक चाय दुकानदार को गोली मार दी। परिजनों के मुताबिक आज सुबह आनंद अपना घर बंगाली पारा से लेलिन नगर अपनी चाय दुकान खोलने गया था। उसी दौरान बदमाशों ने पहले हवाई फायरिंग किया और जब आनंद भागने लगा तो उसके ऊपर गोली चला दिया, जो आनंद के पैर में लगी। गोली लगने के बाद उसे आनन फानन में राजगीर अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल रेफर कर दिया। परिवार वालों ने बताया कि आनंद की शिशुपाल नामक व्यक्ति से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है और ऐसा लगता है कि उसके द्वारा ही घटना को अंजाम दिया गया है। इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँच मामले की जानकारी ली है। वहीं घायल और उसके परिजनों के बयान पर मामला दर्ज कर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुट गई है पुलिस। खबर सीतामढ़ी से है। जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां सहियारा थाना क्षेत्र स्थित
जगीराहा गांव के नदी किनारे झारी से एक बुजुर्ग की लाश बरामद हुई है। मृतक की पहचान सहियारा थाना क्षेत्र के गढ़वा गांव निवासी रिटायर्ड बिहार पुलिस के जवान शत्रुधन सिंह के रूप में हुई है। लाश मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार जिले के सहियारा थाना क्षेत्र के गढ़वा निवासी शत्रुधन सिंह बुधवार की दोपहर अपने घर से खलिहान की तरफ निकले थे। देर शाम तक शत्रुधन अपने घर वापस खाना खाने नहीं लौटे, जिसके बाद चिंतित होकर परिजनों ने खोजबीन शुरू की, पर कुछ पता नहीं चला। वहीं आज गुरुवार की सुबह उनकी लाश मेजरगंज के जगीराहा गांव के नदी किनारे झाड़ियों में मिला। मृतक की हत्या पत्थर से कूच कर की गई है। उधर परिजनों ने जमीन विवाद ने उनकी हत्या किए जाने की आशंका जताई है। परिजनों के अनुसार मृतक का अपने पट्टीदार के साथ जमीन को लेकर पहले से विवाद चल रहा था। फिलहाल पुलिस लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिजनों के बयान पर मामले दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है। खबर छपरा से है। सारण जिले से एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में एक महिला समेत दो लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए PHC में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। घटना के संबंध में बताया गया है कि जिले के मसरक थाना क्षेत्र के हरपुर जान गांव में जमीनी विवाद में दो पड़ोसी आपस में भिड़ गए, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई। इस घटना में एक महिला और उसका पुत्र घायल हो गया। दोनों घायलों को इलाज के लिए मसरक PHC में भर्ती कराया गया। घायल महिला ने बताया कि उनके पड़ोसी द्वारा जबरदस्ती जमीन पर कब्जा किया जा रहा था। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो पड़ोसी ने उनकी और उनके बेटे की पिटाई कर दी। इस बाबत घायल महिला की ओर से मसरक थाना में मामला दर्ज कराया गया है। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहे हमारे साथ। लड़खड़ा रहे थे कदम, कर्ज में आ गए थे हम, छा रहे थे गम के बादल, तब भी हारे कहो थे हम। फिर सोना गोल्ड ने किया चमत्कार, इस मुर्गी दाने से खूब बढ़ा व्यापार। अब नहीं है मुश्किल, जीना हुआ आसान। बढ़ रही है समृद्धि और बढ़ा मान सम्मान, और बढ़ा मान सम्मान। सोना गोल्ड मुर्गी दाना, जो प्रोटीन कैल्शियम विटामिन एनर्जी से भरपूर, यह स्टीम पद्धति से तैयार किया जाता है। इस मुर्गी दाने को खिलाने से चूजों में तेजी से वृद्धि होती है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता का विकास होता है, साथ ही FCR भी कम होता है। तो आज ही अपनाएं सोना गोल्ड मुर्गी दाना। सोना गोल्ड मुर्गी दाना का है वादा, कम रहे FCR, मीट और अंडे दे ज्यादा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजधानी पटना और दक्षिण बिहार को उत्तर बिहार से जोड़ने वाली गांधी सेतु और JP सेतु पर ट्रकों के परिचालन से रोक लगाने को लेकर ट्रक मालिकों में आक्रोश व्याप्त है। सरकार के इस फैसले के विरोध में आज पटना जिला ट्रक एसोसिएशन की ओर से ट्रांसपोर्ट नगर के पास CM नीतीश कुमार, पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव एवं परिवहन मंत्री का पुतला दहन किया गया। ट्रक ऑनरों ने कहा कि गांधी सेतु और JP सेतु पर ट्रकों का परिचालन बंद है, जिसकी वजह से कारोबार प्रभावित हो रहा है। वहीं एसोसिएशन के उपाध्यक्ष ने कहा कि सरकार का कहना था कि बड़े गाड़ियों के चलने से पुल क्षतिग्रस्त होगी, जबकि दोनों पुलों से प्रतिदिन बसों समेत कई बड़ी गाड़ियों का परिचालन हो रहा है। उपाध्यक्ष ने कहा कि यदि ट्रकों के परिचालन से पुल को क्षतिग्रस्त होने का खतरा है तो अब बताएं कि आखिर उनकी गाड़ियां चलेंगी कैसे। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द से जल्द अपने फैसले पर विचार करते हुए पुलों पर ट्रकों का परिचालन शुरू कराए,
नहीं तो पूरे बिहार में चक्का जाम किया जाएगा। खबर भागलपुर से है। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने आज स्थानीय परिसदन में नगर निगम बुडको के अधिकारियों के साथ एक बैठक कर भागलपुर में चल रहे नाला निर्माण एवं जलापूर्ति की योजनाओं की स्थिति की समीक्षा की। इसके अतिरिक्त शहर में निर्मित हो रहे जल मीनार के बारे में भी जानकारी हासिल कर अधिकारियों को सभी लंबित योजनाओं को जल्द से जल्द कार्यान्वयन करने का निर्देश दिया। विधायक ने नगर में निर्मित हो रहे 19 डीप बोरिंग के बारे में अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी बोरिंग का कार्य जल्द पूरा कर तत्काल जलापूर्ति की जाए। अजीत शर्मा ने कहा कि बुडको स्मार्ट सिटी की योजना में समन्वय के अभाव में समुचित रूप से कार्य नहीं हो पा रहा है। विधायक ने अधिकारियों से जलापूर्ति योजना के दूसरे चरण के मामले में यह पूछा कि तत्संबंधी कहां तक प्रगति हुई है। अजीत शर्मा ने बुडको के अधिकारियों से कहा कि पाइप बिछाने के दौरान पैन इंडिया द्वारा शहर की सड़कों को काट कर छोड़ दिया गया है, जिससे शहर की स्थिति नारकीय हो गई है। लोगों को आने जाने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बुडको के अधिकारियों से कहा कि प्राथमिकता के आधार पर तत्काल क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मति कराए। विधायक ने अधिकारियों को सख्त लहजे में निर्देश दिया कि मैं किसी भी सूरत में भागलपुर के जनता के हित में प्रस्तावित योजनाओं के क्रम में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगा, इसलिए तत्काल सभी लंबित योजनाओं को पूर्ण किया जाए और उसकी सूची मुझे तत्काल उपलब्ध कराया जाए। बीते दो दिन पहले हुए भारत चीन के बॉर्डर पर 20 भारतीय जवान शहीद हो गए। भारत के देशवासियों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है और आज इसी बीच चाइना का विरोध कर राजधानी पटना में गदहा जुलूस निकाला गया, जिसमें चाइना के राष्ट्रपति और उसके रक्षा मंत्री के तस्वीर का माला पहनाकर गधे के रूप में सरकार से मांग किया कि 24 घंटे के अंदर चाइना पर भी सर्जिकल स्ट्राइक करे की गई। हमारे देश के सैनिकों को मारने का काम किया। चीन के खिलाफ आज हम लोगों ने गधा जुलूस निकालकर चीन को यह मैसेज देना चाहते हैं कि देश के तरफ अगर आप उठाओगे तो चीन को मैं आग को फोड़ दूंगा। देश के प्रधानमंत्री जी से यह मेरा मांग है कि अभिलंब चीन के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कर मुझे 24 घंटे के अंदर रिजल्ट चाहिए। भारत और चीन के बीच हुए हिंसक झड़प में भारत के 20 जवानों की शहादत पर पूरे देश में चीन के प्रति आक्रोश व्यक्त करते हुए चीन निर्मात सामानों का इस्तेमाल नहीं करने का संकल्प लिया है। वहीं पटना सिटी के शहीद भगत सिंह चौक पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूंककर आक्रोश व्यक्त किया है। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना था कि चीन डर कर पीछे से वार करे तो कायराना हरकत है, उसका बदला हमारे जवान उनके घर में घुसकर सीने पर वार करके लेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में हम फिर हाजिर होंगे कुछ और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए SDF न्यूज़। नमस्कार।